एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, आज मैंने अमेज़न से शॉपिंग की है, बहुत ही सारी शॉपिंग की है। ये होने वाला है ह्यूज एक्सेसरीज एंड ब्यूटी हॉल, और भी बहुत सारी शॉपिंग की है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अगर इस वीडियो में दिखाती ना वीडियो इतना ज्यादा लंबा हो जाता, क्योंकि आज ही बहुत सारे प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड सभी आपके लिए बहुत ज्यादा फुल रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना यार, स्किप मत करना, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। एंड इन सबको बाय करने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें बाय कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड एक सिंगल लिंक भी मिल जाएगा माय हॉल स्टोर के नाम से, तो जस्ट आप उस पर क्लिक करके भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सा, इस तरीके का बहुत ही यूनिक पीस है ये। ये है एक सीलिंग बैग, और ये आपको एक स्टेटमेंट सीलिंग बैग है। ये आपको मिल जाएगा पूरा मार्बल मेटल में है ये पूरा सीलिंग बैग, और मार्बल की आपको फिनिशिंग देखने को मिलेगी। लुक एट दिस, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। एंड इस तरीके का आप यहाँ से खोल सकते हो, लॉक कर सकते हो, सिंगल आपको स्पेस मिलेगा यहाँ पे अंदर रखने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा अच्छा स्पेस है इसमें, मतलब ठीक है, इतना भी छोटा नहीं है, इतना भी बड़ा नहीं है, इतना है कि आप इसका ही बाहर जा रहे हो तो अपने पैसे, मोबाइल अगर ज्यादा बड़ा साइज का नहीं है तो मोबाइल, मेकअप रख सकते हो थोड़ा बहुत। रीजन ये था इसको पिक करने का, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है, क्वालिटी काफी अच्छी है, गोल्ड चैन देखने को मिल जाएगी इसमें सीलिंग बैग की तरह। तो ये है फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने पिक किया है, और इसका वेट है ना वो भी थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि ये मार्बल फिनिशिंग में है तो वेट भी काफी हैवी आएगा। मे भी अगर ये ऊपर से गिर जाए तो हो सकता है टूट भी जाए, तो आप इसे अच्छे से कैरी करिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा एंड स्टाइलिश है। जो नेक्स्ट मैंने परचेज किया है अब की बार अमेजोन से, वो है ये ब्रश, मेकअप ब्रश है। एंड गाइस, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। एंड माय हॉल स्टोर के नाम से भी लिंक है, तो जस्ट वहां पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। इस तरीके के ब्रश का सेट देखने को मिल जाएगा, काफी अफोर्डेबल प्राइस में लग रहा था मुझे, प्लस काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था, क्यूट स्टाइलिश कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, ब्रश की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। लाइक दिस बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेरी मेकअप ब्रश खराब हो गई थी, मैं चाहती थी कोई अफोर्डेबल प्राइस में मेकअप ब्रश परचेज करूं, तो मुझे ये अमेजोन पे दिख गई, तो उससे मुझे काफी अच्छा लगा। प्लस इसमें आपको है ना इस तरीके का सिलिकॉन का, लुक एट दिस, इस तरीके का आपको सिलिकॉन का ये ब्यूटी ब्लेंडर भी देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। तो अफोर्डेबल प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी ब्रश का सेट है, डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करती हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप बाय कर सकते हो। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है अमेजोन से। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है अमेजोन से, खोल खोल के देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट पिक किए हैं मुझे भी नहीं याद है कि कौन कौन से प्रोडक्ट है। ये है फ्रॉम दी ब्रांड यू बेला और ज्वेलरी पर, ये मेरे दो फेवरेट ब्रांड है जो कि मैं यूज करती हूँ, जो कि मैं मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, और बहुत ही अच्छे आते हैं। तो ये है एक ब्रेसलेट जो मैंने पिक किया है यू बेला से। जो ब्रेसलेट है इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, प्लस यहाँ पे ये पूरे आप देखोगे ना बटरफ्लाई बनाई हुई है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। साइड में क्लिप लगा दूंगी, इमेज लगा दूंगी, और वेट भी काफी अच्छा है, उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा लगा। मतलब प्राइस तो मुझे थोड़ी कॉस्टली ही लग रही थी, लेकिन फिर भी अच्छा है ब्रेसलेट, तो उस अकॉर्डिंग मैंने यार परचेज कर लिया। काफी टाइम से देख रही हूँ, अब ठीक है कम ही नहीं हो रहा है, तो मैंने परचेज कर लिया। अब जो नेक्स्ट मैंने यहाँ से पिक किया है वो है ये लोरल पेरिस का क्रिस्टल एसेंस, और इसको परचेज करने का रीजन ये था क्योंकि बहुत सारे रिव्यू देख रही थी यूट्यूब चैनल पे ही इसके, कि बहुत ही अच्छा है, मैं भी यार यूज करना चाहती थी, इसलिए मैंने सबसे छोटा वाला ट्राई किया है। मैं नहीं चाहती मैं बहुत ही बड़ा ले लूँ और फिर मुझे लगे कि यार पसंद नहीं आया, या फिर मेरे स्किन को सूट नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ तो मैंने सबसे पहले छोटा ही लिया है, 22 ml वाला लिया है। रिव्यू तो काफ़ी अच्छे हैं, अमेजोन पे भी काफ़ी अच्छे रिव्यू हैं। यूज़ करके नहीं देखे, यूज़ करने के बाद आपको किसी वीडियो में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी कि कैसा रहा, तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। पर इससे आपको स्मूथ स्किन मिल जाएगी, क्रिस्टल क्लियर स्किन मिलेगी, उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। तो नेक्स्ट मैंने ये परचेज किया है यहाँ से। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक की है वो है एक बेल्ट, और पहले भी मैंने एक बेल्ट शेयर की थी अमेजोन से, काफ़ी लोगों के यार कॉमेंट आते हैं दी आपने कहाँ से परचेज किया,
लिए गोल्डन वाली बेल्ट, तो वो भी मैंने अमेजोन से परचेज किया। ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, तो आप यार चेकआउट ही नहीं करते हो वीडियो, फिर आप लोग को पता नहीं आता मैं क्या क्या आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये वाली बेल्ट भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, किसी भी आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जाएगी, तो ये मैंने परचेज कर ली। इसमें आपको प्लेन भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिर मैंने परचेज की ये वाली, एक सेकंड मैं आपको खोल के बताती हूँ पूरी। तो फिर मैंने परचेज की ये वाली, जिसमें ये पूरा इस तरीके का ये डिजाइन बना हुआ है। तो आप इस तरीके की आपको ये वाली बेल्ट मिल जाएगी। लुक एट दिस, शाइनिंग देख सकते हो, काफी अच्छी है। इस तरीके से फोल्ड वगैरह भी हो जाती है और बहुत ही अच्छी सी बेल्ट है। किसी भी साड़ी, किसी भी गाउन, किसी भी कुर्ती को काफी ज्यादा स्टाइलिश कर देती है, और बेल्ट से काफी ज्यादा स्टाइलिश हो जाती है ड्रेस, और काफी अफोर्डेबल भी लग रही थी, प्लस रिव्यू काफी अच्छे थे, तो मैंने ये वाली भी पिक कर ली। बहुत ही प्यारी है, लगाने के बाद बहुत अच्छी लगेगी। पीछे से आप इसे अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग काफी अच्छी है। तो हाईली रिकमेंड करती हूँ, बेल्ट वगैरह अमेजोन पे काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन है, डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अब ये है जो नेक्स्ट मैंने यहाँ से पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है लैक्मे सीसी क्रीम 925। इसको मैं खोल के नहीं बता रही हूँ, मेरा शेड है बेज, और फाउंडेशन मैं यूज़ करती नहीं हूँ, आपको पता है मैं ओनली सीसी क्रीम लगवाती हूँ रेगुलर में भी। लास्ट टाइम मुझे मिली नहीं थी अमेजोन पे, वो छोटी सी मिली थी, छोटू सी, वो खत्म हो गई, तो अब फाइनली मुझे एक बड़ी वाली 30 ग्राम वाली मिल रही है, तो मैंने अपनी बारी पिक कर ली। तो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है मेकअप। इतना मेकअप करती हूँ तो हटाने के लिए भी तो चाहिए, तो मेकअप की वो मेरा खत्म हो गया था पहले वाला। वैसे मैं गार्नियर का नॉर्मल वाला जो क्लींजिंग वाटर आता है वो ही यूज करती हूँ, लेकिन अब की बार मैंने पिक किया है ये गार्नियर का ऑयल इन्फ्यूज क्लींजिंग वाटर, और मुझे लग रहा था यार समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट रहेगा, क्योंकि मेरी स्किन काफी ज्यादा ऑयली है, प्लस ये ऑल स्किन टाइप है। इससे आपका वाटर प्रूफ जो मेकअप होता है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है, बस आपको कॉटन पैड में इसे लेना होता है, इतना सा लेना होता है, बहुत ही अच्छे से मेकअप को रिमूव कर देता है, आपकी स्किन को क्लीन कर देता है, तो उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा लगा। तो मैंने अभी ट्राई करने के लिए छोटा वाला पैक ही लिया है, अच्छा लगा तो नेक्स्ट मैं ये ही मंगवा लूंगी, तो नेक्स्ट मैंने ये पिक किया है। जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है यहाँ से वो है ये मिनीसो का परफ्यूम। मिनीसो का परफ्यूम मैंने पहले भी ट्राई किया था यार, बहुत अच्छी स्मेल एंड फ्रेग्रेंस लगी थी मुझे, तो मैंने नेक्स्ट ये पिक कर लिया है, और ये है कलर ऑफ लाइफ EDT परफ्यूम, एंड बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। जब मुझे मिला बहुत बहुत अच्छी माइल्ड एंड बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, लाइक आपको पूरे दिन भर आप इसे लगाओ बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत फ्रेश फील होगा, समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, एंड पैकेजिंग आपको इस तरीके की थोड़ी पर्पल शेड में मिल जाएगी, प्लस पैकेजिंग ऐसी है कि आप इसे कहीं भी, एक छोटी सी बोतल है तो कहीं पे भी आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो, अगर आप ट्रैवल करते हो उस अकॉर्डिंग भी कैरी कर सकते हो, इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी इसकी बोतल। और ये है ओरिएंटल पॉपी EDT परफ्यूम, काफी अच्छा है, काफी क्लासी भी लग रहा है, पैकेजिंग काफी अच्छी है और रिव्यू काफी अच्छे थे, तो मैंने सोचा परचेज करके देखती हूँ। प्लस इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, हाईली रिकमेंड करती हूँ, काफी अच्छा है प्राइस के अकॉर्डिंग, एक सिग्नेचर परफ्यूम है ये मिनीसो का, डेफिनेटली बाय कर सकते हो, बहुत ही अच्छी पीस है ये वाली। अब जो नेक्स्ट मैंने परचेज किया है वो है ये ब्रास के बैंगल्स, एंड ये 4 का सेट देखने को मिल जाएगा, इस तरीके की पैकेजिंग देखने को मिलेगी। मेरी मम काफी टाइम से बोल रही थी यार इन बैंगल्स के लिए, तो मैंने फाइनली परचेज कर लिया है, लेकिन अभी ये बड़े आ गए हैं साइज में, तो मुझे इसे एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, और मैंने ये 2-6 मंगवाए हैं, और मेरे मम के 2-6 ही आते हैं, लेकिन पहनने के बाद यार ये थोड़े बड़े लग रहे हैं उन्हें लूज, तो अभी 2-4 मंगवाना पड़ेगा। और ये ब्रास के बैंगल्स है, 4 का सेट है, तो आप इसे जैसे चूड़ा होता है ना, रेड वाला ब्राइड वाला चूड़ा, उसमें अगर लगवाना चाहते हैं, या फिर किसी भी आउटफिट के साथ भी बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि सिंगल सिंगल भी आप इसे पहन सकते हैं, आगे पीछे भी लगा सकते हैं, उस अकॉर्डिंग काफी अच्छे हैं, ब्रास के हैं, स्टोन क्वालिटी काफी अच्छी है, आपको पास से दिखाती हूँ, प्लस बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश भी लग रहा है, लाइट वेट है, उस अकॉर्डिंग काफी अच्छे लगे। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है, और ये भी आप परचेज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे बैंगल है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है ये वाली नेल पेंट, और ये वाली नेल पेंट में कलर ये आ गया है, बाकी मंगाया दूसरा पर्पल कलर था, पर ये वाला कलर भी यार बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लगाने के बाद मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा आएगा। ये है लैक्मे की कलर क्रश नेल आर्ट नेल पेंट, एंड ये मैंने कलर पर्पल मंगाया था, ग्रे वाला कलर आ गया, और काफी अच्छी क्यूट सी छोटू सी पैकेजिंग है, ब्रश की क्वालिटी काफी अच्छी है, और बहुत ही अच्छी शाइन है इस वाली नेल पेंट की, हाईली रिकमेंड करती हूँ। अब तक जितनी भी नेल पेंट यूज की है मुझे सबसे अच्छी ये वाली नेल पेंट लगी, अभी मैंने लगा रखी है, आप देख सकते हो ये ही वाली नेल पेंट है, काफी ज्यादा अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छी रहेगी लगाने के बाद, और जो इसमें जो
एक शाइन सी आती है लगाने के बाद, वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। लुक एट दिस, बहुत ही प्यारी शाइन है। तो मुझे कलर ये वाला मिल गया, लेकिन मैंने सोचा यार एक्सचेंज कराने से अच्छा है मुझे ये कलर भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये रख लिया। तो आप परचेज कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है ये वाला छोटा सा छोटू सा हैंड बैग। एंड इसको परचेज करने का रीजन ये था, अगर आप ट्रैवल करते हो बहुत ज्यादा या फिर आप बाहर जा रहे हो तो उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें स्पेस काफी है इस वाले बैग में। ये आपको प्योर लेदर में देखने को मिल जाएगा, कलर ऑप्शन काफी सारे देखने को मिल जाएंगे। एंड इस तरीके का छोटू सा बैग है, कैरी करने के लिए इस तरीके के हैंडल दिए हुए हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं। एंड यहाँ पे आपको 3 जिप देखने को मिल जाएगी इसमें, जिपकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। प्लस तीनों में स्पेस आपको काफी अच्छा खासा देखने को जाएगा, यानी कि आप इसमें अपना मोबाइल, पैसे, मेकअप और भी बहुत सारा सामान आराम से कैरी कर सकते हो। अंदर की साइड एक छोटी जिप भी दी हुई है जिसमें आप कॉइन वगैरह रख सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा लगा। स्पेस काफी है, लगता बहुत छोटू सा है लेकिन स्पेस काफी है और काफी ज्यादा स्टाइलिश है। प्लस खराब नहीं होगा, प्योर लेदर का है तो बहुत ही अच्छा है और ट्रैवल वगैरह के अकॉर्डिंग परफेक्ट लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये वाला पिक कर लिया, जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। अगर आप ऐसा कोई हैंडबैग लेना चाहते हैं जो कि छोटा लगे लेकिन स्पेस काफी हो, तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है, ये है फ्रॉम द ब्रांड जेवर्स गैलेक्सी। एंड ये है एक चैन, मैं लास्ट टाइम में मैंने आपके साथ एक लेयर चैन शेयर की थी, लेकिन मैं उस टाइम चाहती थी मैं ये लॉक वाली चैन परचेज करूँ, साइड में क्लिप लगा दूंगी, ऐसे आपको मे भी पूरा पता नहीं चले। और अभी ये इस तरीके से उलझ भी रही है, तो साइड में क्लिप लगा दूंगी, पूरी पिट लगा दूंगी। इसका परचेज करने का रीजन ये था, काफी ज्यादा मोटी भी है, प्लस किसी भी वेस्टर्न टॉप के साथ या फिर एथनिक वगैरह के साथ भी काफी अच्छी लगी है, लेकिन वेस्टर्न के साथ ज्यादा स्टाइलिश लगेगी। किसी भी टॉप वगैरह की शर्ट वगैरह के साथ कैरी कर सकते हो। और इसमें जो लॉक वाला दिया हुआ है ना ये चीज, प्लस यहाँ पे ये जो हार्ट वाला दिया हुआ है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये मैंने पिक कर ली, गोल्ड कलर में आपको ये देखने को मिल जाएगी, गोल्ड चैन, हाईली रिकमेंड करती हूँ, अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है मेबेलिन की सुपर स्टे मैट, ये वाली लिक्विड लिपस्टिक। और इसको रीजन ये था परचेज करने का, मेरे पास वैसे ऑलरेडी बहुत सारी लिपस्टिक है लेकिन ये सुपर मैट लिपस्टिक है और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे इसका शेड। बहुत सारे शेड आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। प्लस मैंने इसमें पिक किया है ये वाला, 120 है नंबर इसका और ये है आर्टिस्ट लिप कलर शेड का नाम है। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था शेड, एंड लगाने के बाद बहुत ही ज्यादा सुपर मैट लिपस्टिक है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, पूरे दिन भर आप इसे कैरी कर सकते हो। लुक एट दिस, ये वाला कलर है ये वाला। तो किसी, मुझे ये वाला कलर बहुत ज्यादा पसंद है आजकल, तो पहले मुझे रेड कलर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था लेकिन आजकल ये वाला कलर मुझे इतना ज्यादा पसंद है। इसमें मैंने बहुत सारे शेड अलग अलग ब्रांड से परचेज किए हैं पर ये वाला काफी अच्छा लगा। पर इसमें ना मुझे जब इसको आप लोगे ना तो इसमें आपको ऐसी स्मेल सी आएगी, लाइक चॉकलेट होता है ना, चॉकलेट होती है उस तरीके की स्मेल सी आ रही है, वो मुझे इसका नेगेटिव पॉइंट लगा। बाकी लिपस्टिक बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, सुबह लगवाओगे तो शाम तक भी नहीं हटेगी, उस अकॉर्डिंग भी काफी अच्छी है, मैट है, सुपर मैट है, लेकिन इसकी जो स्मेल है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगी, चॉकलेट चॉकलेट वाली स्मेल है तो वो मुझे अच्छी नहीं लग रही। और इसमें मैंने एक और शेड पिक किया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वो अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो लेना चाहते हो ले सकते हो, पैकेजिंग भी काफी ज्यादा क्लासी है, स्टाइलिश है, मेबेलिन की है। जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है ये वाला वीनस का वुमेन रेजर, एंड काफी लोग यूज करते होंगे, काफी लोगों को पता होगा, मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, जब से ये आया है ना ये मेरा 3rd या 4th है, तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, काफी चल जाता है मेरे, ये मैं खोल के नहीं बता रही हूँ आपको, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है इसकी। और इसमें है ये, इसमें केमिकल वगैरह नहीं होते हैं तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफी अच्छा लगता है। ये आपके छोटे से छोटे जो फाइन हेयर होते हैं ना उनको भी रिमूव कर देता है, प्लस विदाउट पेन। और अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको कहीं जाना है, जस्ट 2 मिनट्स आपके जो बिल्कुल छोटे छोटे फाइन हेयर भी है ना उनको भी रिमूव कर देगा, उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा लगा मुझे। और मैं काफी टाइम से इसे यूज कर रही हूँ, हाईली रिकमेंड करती हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एक बार यूज करके देखो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, डेफिनेटली आप नेक्स्ट बाय करना चाहोगे। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने यहाँ से पिक किया है, मेरा पहले वाला खत्म हो गया था तो मैंने अब की बारी ले लिया। अब जो नेक्स्ट मैंने यहाँ से पिक किया है वो है फ्रॉम द ब्रांड शाइनिंग डीवा फैशन, एंड ये है एक इस तरीके का नेकलेस, स्टेटमेंट नेकलेस है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे देखने में, एंड बहुत ही अच्छा सा इस तरीके का आपको ये वाला नेकलेस देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस, इसमें आपको
कलर काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। मल्टी कलर में है ये, रेड कलर, बीच में क्रीम कलर, ग्रीन कलर, एंड काफी अच्छा सा प्योर गोल्डन में नहीं है ये, प्रॉपर शेड में आपको मिलेगा। साइड में क्लिप लगवा दूंगी, पहनने के बाद बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगेगा और बहुत ही अच्छा सा ये स्टेटमेंट नेकलेस है। डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करती हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है। किसी भी वेस्टर्न आउटफिट के साथ हो या फिर एथनिक वियर हो, कुर्ते हो, कुर्ता सेट हो, साड़ी हो, किसी के साथ भी बहुत अच्छे से जाएगा। प्राइस के अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने ये नेक पिक कर लिया, काफी टाइम से देख रही थी, डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है। पास से दिखाती हूँ आपको, इस तरीके का ही नेकलेस देखने को मिल जाएगा। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने यहाँ से पिक किया है वो है फ्रॉम दी ब्रांड ज्वेलरी पर्ल, जो कि सबसे अच्छे लगते हैं मुझे, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ज्वेलरी पर्ल की। ये वाले इयर रिंग्स मैंने देखे ना अमेजोन पे, बहुत ही प्यारे लगे मुझे, तो मैंने सोचा है परचेज करके देखती हूँ। लुक एट दिस, कितने ज्यादा ब्यूटीफुल से एक स्टेटमेंट, इस तरीके के इयर रिंग्स से बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप गले में कुछ नहीं पहनना चाहते हो ना, इस तरीके के बड़े बड़े इयर रिंग्स पहन लो, काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे। किसी भी साड़ी वगैरह के साथ, कुर्ते वगैरह के साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। ये पूरा इसमें जो है इन्होंने कुंदन लगवाए हुए हैं, साइड में ये पर्ल लगवाए हुए हैं, काफी अच्छा है। और इसकी जो साइज है वो भी काफी अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और बिल्कुल सिंपल है, लेकिन पहनने के बाद बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगेंगे। तो डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करती हूँ आप ये परचेज करके देखना, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो गाइस अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने यहाँ से पिक किया है वो है ये क्लेचर। मेरे क्लेचर इतने टूटते हैं, तो मैंने अब की बार ये वाले क्लेचर पिक किए हैं क्योंकि मैं डेली में भी क्लेचर ही लगाती हूँ। तो और क्लेचर का क्या होता है, फटाफट से टूटते भी हैं अगर आप ज्यादा यूज लेते हो या फिर उसे लगा के सो गए तो टूट जाते हैं, तो मेरे बहुत टूटते हैं। पर अमेजोन पे मुझे ये काफी अच्छे क्लेचर देखने को मिल गए, 3 का सेट देखने को मिल जाएगा। ये डार्क कॉफी कलर में है, ये ब्राउन कलर में, ये ब्लैक कलर में, काफी अच्छे हैं। पास से दिखाती हूँ, देखो क्वालिटी काफी अच्छी है, 3 का सेट है, साइज काफी अच्छा है, तो उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा लग रहा। मुझे डेली में चाहिए होता है तो मैंने ये 3 का सेट पिक कर लिया। ये था आज का हॉल, और आई होप आपको पसंद आया होगा। जितने भी प्रोडक्ट शेयर किए सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उन्हें बाय कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और कुछ देखना चाहते हो अमेज़न से तो कॉमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।